वीडियो में हम लोग कंसाइज मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज नंबर जो 5B दिया हुआ है ये हम लोग आज शुरू करेंगे, ठीक है। दूसरी दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो केवल इस बुक को ही फॉलो करते हुए बनाता हूँ, ठीक है। मैं आपको इस बुक के बाहर कुछ एग्जाम्पल भले ही दे दूं बट मेरा फोकस हमेशा इस बुक के हर टॉपिक वाइज ही होता है। जैसे अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पढ़ाऊंगा तो मैं इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा जो इस बुक में दिया हुआ है। टू एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि आपको एग्जाम को अच्छे से क्लियर करने के लिए ये बुक पहले पता होनी चाहिए। ये बुक आपको क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको दुनिया भर से आप पढ़ के आएँ लेकिन आपको जब बुक पढ़ें तो आपको समझ में ना आए कि यार ये मेरी बुक में किधर लिखा है। तो इसलिए मेरा फोकस हमेशा इस बुक ही रहेगा। इसमें चाहे जो भी टॉपिक हो, जो भी क्वेश्चंस हो, इवन एग्जाम्पल, मैं वो सारा इस बुक का ही बताता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये 16 है तो ये मैं 16 एग्जाम्पल भी आपको बताऊँगा। तो ये मेरा अप्रोच रहता है थ्रू आउट फॉर कंसाइज मैथमेटिक्स और कंसाइज फिजिक्स बुक दोनों के लिए, ठीक है। तो ये अप्रोच मेरा रहता है। आई मीन कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे तो आई जस्ट वॉन्ट टू रिप्लाई टू दोस। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 2 विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 3 एक्स माइनस 4। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस विल बिकम 2 एक्स स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 3 एक्स माइनस 12, ठीक है, ये 12 है। देन इफ वी सॉल्व दिस फर्दर, इसको सारे को हम लोग को लेफ्ट साइड पे लाना है तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 12 माइनस 3x माइनस 12 का प्लस 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो प्लस 12 और माइनस 12 कैंसिल तो दिस विल बिकम 2x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। इसमें x कॉमन आ गया तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x की एक वैल्यू क्या आ जाएगी 0 और दूसरी हो जाएगी 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/2। देयरफॉर वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू इधर 0 और 3/2। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 10 एंड दैट इज योर आंसर। यहाँ पे ट्रिक क्या थी? यहाँ पे आपको ट्रिक थी कि इसको सॉल्व करने के बाद यू नीड टू मेक एवरीथिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड टू मेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन।